चिनागांव में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। चरखी दादरी जिले के गांव बीजना में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर गांव के युवाओं द्वारा पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें गांव के सार्वजनिक स्थानों पर पीपल, नीम, तुलसी समेत अनेक प्रकार की औषधि पौधे लगाए गए। इस अवसर पर गाँव के सरपंच श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि इस पौधारोपण अभियान में सभी युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गांव के युवा व समाज सेवक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे देश का भविष्य हमारे देश के युवा बच्चे हैं और हमारे गांव के युवा इस पौधारोपण की मुहिम में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। पौधों से हमें ऑक्सीजन के साथ साथ कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है जो कई बीमारियों में काम आती है। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है और हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए। इस अवसर पर गणेश शर्मा, हरेंद्र शर्मा, संदीप शर्मा, रोहित शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा आदि मौजूद थे। पेश है हरियाणा के चरखी दादरी से उमेश सतसाहिब की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के 74वें दिवस पे सभी ग्रामवासियों, बीजना ग्रामवासियों की तरफ से मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। इस उपलक्ष्य में आज सभी युवा साथियों ने मिलकर के गांव में पौधारोपण अभियान चलाया है, जो कि बहुत सफलतापूर्वक संपूर्ण हुआ है। हमने गांव के स्कूल में, आंगनवाड़ी में सभी प्रमुख जगहों पर पौधे लगाए हैं, जिसमें कि युवा साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। आज सबको पता है कि विश्व में पर्यावरण जो है बहुत बड़ी समस्या है, पौधे जो है वो जीवन है। इसी चीज के चलते हुए हमने सारे गाँव में पौधे लगाने का अभियान पूरा किया है और इसमें सब बच्चों ने जिम्मेदारी ली है कि हर बच्चा 10-10 पौधे अपनी जिम्मेदारी से 2 साल तक उसकी देखरेख करेगा और भविष्य में भी हम ऐसे अभियान चलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये जो बच्चे सहयोग कर रहे हैं और प्रदूषण के मामले में आजकल ये हो रहा है, तो हमारे गाँव वालों का सभी का इसमें सहयोग है और हर जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। इसी मुहिम के तहत मैं गाँव वालों से उम्मीद करता हूँ कि इस मुहिम को सदा के लिए चालू रखें।